हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। एक्चुअली मैं दो दिन से वीडियो डाल नहीं पा रहा था, कंटिन्यू ट्रैवलिंग और कुछ घर के कुछ इश्यूज थे जो करने काम थे, कुछ फंक्शंस थे, इसीलिए मैं नॉन स्टॉप बिजी था। आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता चल ही गया होगा कि ईडी के हाईकोर्ट के बारे में क्या हुआ, फिर भी ये वीडियो में मैं बता रहा हूँ। ब्राइटकॉम ग्रुप में अगर हम लोग देखें तो 15 रुपीज़ 80 पैसे पर क्लोजिंग दिया था, जो कि 0.60% माइनस में क्लोज हुआ था। 16 रुपीज़ का एक जो सपोर्ट था, एक लेवल था, उससे थोड़ा नीचे अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। एनएससी और बीएससी मिलाकर अराउंड 1 करोड़ 20 लाख शेयर ही ट्रेड हुए। वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा ट्रायप हो चुका है और डिलीवरी परसेंटेज भी ट्रायप हो चुका है। 33% की ही डिलीवरी उठाई गई है। 37,000 शेयर्स का एमओ लगा हुआ है सेलिंग के लिए, क्योंकि मार्केट में थोड़ा पैनिक था। यूएस के जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला था वो आया, वो मार्केट के हिसाब से अच्छा नहीं आया। कल यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिली, आज भी थोड़ा सा मार्केट फ्लैट ही चल रहा है, कुछ कुछ इंडेक्सेस लो चल रहे हैं यूएस मार्केट के। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल TCS के नंबर आने वाले हैं, जो कि बड़ी IT कंपनी है, उसके ऊपर भी IT सेक्टर रिएक्ट करेगा, उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर पर देखने को मिल सकता है। जहाँ तक सवाल है ईडी और ब्राइटकॉम ग्रुप के केस जो तेलंगाना हाईकोर्ट में चल रही थी, उसका डेट था, बट फिर से वही हुआ कि ब्राइटकॉम ग्रुप का केस का नंबर लगा ही नहीं, जो कोर्ट था वो क्लोज हो गया और अगली तारीख मिली है, जो कि 18 तारीख मिली है, 18 अप्रैल की तारीख मिली हुई है। हर बार यही हो रहा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप के केस का नंबर आते आते ही कोर्ट का जो है क्लोज हो जाता, टाइम अप हो जाता है और फिर से अगली तारीख मिल जाती है, तो फिर से 18 अप्रैल का हम इंतज़ार करना पड़ेगा। और इन द मीन टाइम कंपनी के ओर से हमें एक्सपेक्टेशन था कि कुछ न्यूज़ आएगी, बट कुछ न्यूज़ आई नहीं है। जब तक कोई बड़ी न्यूज़ आती नहीं है, शेयर ऐसा ही साइडवेज जाएगा या मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलेगा। तो अभी कोई ऐसा बड़ा, कोई धमाकेदार न्यूज़ नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं है जो कि ब्राइटकॉम ग्रुप को ऊपर ले जाए, तो थोड़ा सा फ्लैट ही चलेगा ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, ऐसा लग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।